आप और हम सब खुश किस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माहे रमजान का अजीम महीना, बाबरकत महीना, बड़ी ही अजमत वाला महीना जिसको हमने हासिल किया और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माहे रमजान की तमाम बरकात समेटने की हमें कोशिश की, हिम्मत की, ताकत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपके साथी माहे रमजान की आमद का बहुत ज्यादा इंतजार किया करते। माहे रमजान की हमने बरकात समेट ली, सब कुछ कर लिया। अब माहे रमजान के बाद जो काम करने के हैं वो चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है, ताकि इस महीने के अंदर जो हमने मेहनतें की हैं, जो हमने भूख प्यास बर्दाश्त की है, जो हमने इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत, सदकात व खैरात और सारा दिन भूखा रहना, रात को क़याम करना, ये सारी हमने मेहनतें की हैं। अब इन मेहनतों को, इन इबादात को ज़ाया नहीं होना चाहिए, तब तो इसका फ़ायदा है। अगर माहे रमजान के बाद हमने अपनी मेहनत को ज़ाया कर दिया, जिस तरह एक खातून है वो सारा दिन धागे के साथ स्वेटर बनाए या कोई और चीज़ सारा दिन काम करती रहे और शाम को जो है ना उसे खोल के फेंक दे, तो ये ज़ाया हो जाए कि सारा दिन इसका ज़ाया गया, कि सारा दिन इसने मेहनत की और शाम को उस अपने मेहनत वाले काम को ज़ाया कर। इसी तरह हम सब ने माह रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बहुत आजिज़ी के साथ, इंकसारी के साथ और सारा दिन भूख और प्यास हमने बर्दाश्त की पूरा महीना हम, लेकिन माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद हम उस सारी मेहनत को ज़ाया करते हैं, इसको अकलमंदी नहीं कहते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे मौके दिए हैं। अब देखें शवाल के छः रोज़े आ रहे हैं, अब शवाल के छः रोज़े रख लें, गोया के पूरे साल के रोज़े रख लिए हम। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने तीन रोज़े रखा करते थे, 14 का 15 13 14 15, ये तीन दिन के होते रखा करते। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाफे मिकदार में हमें मौके दिए हैं ताकि हम अपनी इस महीने की जो मेहनत है उसको ज़ाया भी ना करें, और जिस तरह हमने लगातार इस महीने के होते रखे हैं इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरा साल का अजर सवाब भी दें। शवाल के छः होते हैं, इनके रखने से ऐसा मालूम होता है कि ये शवाल के छः महीने, लेकिन अजर सवाब पूरा साल। अब एक महीने में हमने लगातार रोजे रखे हैं, एक महीना हमें एक महीने का सवाब मिला है, लेकिन अगर हम इन माह रमजान के महीनों के साथ शवाल के भी छः रोज़े रख लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन छः रोज़ों के बदले में पूरे साल के रोज़ों का अजर सवाब देंगे। तो ये हमें हर मुसलमान को बनाना चाहिए। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अफलह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तज़किया नफ्स किया। तज़किया नफ्स आपने या मैंने क्या समझा, तज़किया नफ्स पूरा महीना ये हमें सिखा के गया है। तज़किया नफ्स क्या है,
कि इंसान हर उस काम से अपने आप को रोक लेता है।